हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीनस ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा आप लोगों के साथ। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी नेल एक्सटेंशन कोर्स की सीरीज चल रही है और नेल एक्सटेंशन के कोर्स में हमारा जो लेवल चल रहा है वो है एडवांस का। तो मैं आप लोगों को अब जो वीडियोस आ रही हैं कमिंग बैक, वो सारी की सारी अब प्रैक्टिकल्स आएंगी, बिकॉज अब हमारा जो थ्योरेटिकल है, हमारा बेसिक लेवल है, वो हो चुका है कंप्लीट। अगर आपने बेसिक लेवल नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और जो है अपने बेसिक लेवल की सारी वीडियोस को देख लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए, ताकि आप भी एडवांस लेवल को अच्छे से सीख पाए। तो गाइस, अपनी इस लेवल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिकल्स, बेसिक लेवल और फिर हम लोगों का आता है फाइनल। तो फाइनल पे हम बाद में जाएंगे, पहले तो हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं कि कैसे कैसे के वन बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से जो मैं इसको प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए जो वीडियो ला पा रही हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से इस सब वीडियो को मैं आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे ला पा रही हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखेगा और जो है मेरे साथ जो है इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए जो नेल एक्सटेंशन की सीरीज उसको सीखते रहिएगा। तो गाइस, चलिए चलते हैं हम आगे कि नेल एक्सटेंशन में हम बात कर रहे हैं नेल टिप के बारे में। पहली दो नेल टिप कैसी लगानी है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब आगे आज आप लोगों को और नेल टिप के बारे में बता रही हूँ कि कैसे आप अपने नेल पेड़ पे लगाएंगे। तो चलिए चलिए गाइस, चलती है हम फटाफट से अपनी प्लेटफॉर्म पर, प्रैक्टिकल्स की प्लेस पर, ताकि आप लोग जो है स्टेप को लगा पाए। ओके गाइस, अब हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं ये डिस्प्ले फिंगर, ताकि इस डिस्प्ले फिंगर की हेल्प से मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकती हूँ इसके अंदर कि कैसे आपको नेल टिप प्लेस करना है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके अंदर जो है नेल प्लेट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी नेल प्लेट को लगाएंगे। तो नेल प्लेट को लगाने के लिए हमें क्या करना है गाइस, ये टिप है, मैं इसी को ले रही हूँ ताकि ये हमारा नेल प्लेट का काम करेगी। तो गाइस, आप जैसे कि सभी देख पा रहे होंगे कि ये जो नेल टिप है, इसी को मैं नेल प्लेट बना रही हूँ। तो हम इस पे ऐसे पेस्ट कर देंगे। अभी मैंने इसमें ग्लू नहीं लगाया, तो हम इस पे ग्लू लगा देंगे ताकि ये पेस्ट हो जाए और फिर ये हिलेगे नहीं। तो आप लोग भी अगर प्रैक्टिस में इस नेल जो डिस्प्ले फिंगर है इसको ला सकते हैं। इसका जो आप लोगों का परचेज आप कहाँ से कर सकते हैं, कैसे इसको बाय करेंगे, ये सब कुछ मैं आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से जाके इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। और जैसे कि गाइस, हम ये ग्लू लगा रहे हैं, अब हम टिप पर अच्छे से ग्लू लगा लेंगे ताकि हमारी जो डिस्प्ले फिंगर है उस पर ये पेस्ट हो जाए। ओके गाइस, अब हम जो है इसको पेस्टिंग का हम थोड़ी देर हमें इस पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आप सभी को पता है नीचे भी प्लास्टिक है, अभी प्लास्टिक है, थोड़ा पेस्ट होने में टाइम ड्यूरेशन लेता है। इतना मैं एक और फिंगर पे आप लोगों के लिए पेस्ट कर दूँ, ताकि जो मैं आपको दो टिप दिखाने वाली हूँ वो आप लोग समझ पाएं। थोड़ा टाइम लगता है इसको पेस्टिंग होने में, तो हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है ना। ओके गाइस, अब इसको छोड़ देते हैं, हमारा इतना ये हो गया होगा। तो हम इस फर्स्ट फिंगर में आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो नेल प्लेट है वो पेस्ट हो चुका है। अब इस नेल प्लेट पे आप सभी को पता है क्या करना है। देखिए, इस पे जो है ना, इस पे आप सभी को दिख रहा होगा कि ना फ्री एज हो रहा है। तो जैसे कि हमारे क्लाइंट्स के नेल थोड़े बहुत भी फ्री एज निकला हुआ है, तो हम उसको क्या करते हैं, कट करते हैं, है ना। कट करोगे आप, नेल कटर लोगे, नेल कटर के थ्रू जो है आप इसकी फ्री एज को कट कर दोगे। ओके
ओके गाइस, तो हमने इसके फेज को कट कर लिया है। अब आप सभी को पता है हमारे को जो क्या करना होता है, क्यूटिकल पुश करना होता है। तो हम क्या करेंगे, क्यूटिकल पुश करेंगे। अब हमारे क्यूटिकल पुश होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जब क्यूटिकल पुश हो जाए तो आप सभी को पता है फिर क्यूटिकल कट करना है। अगर क्यूटिकल्स निकले हुए हैं तो आप उसको क्यूटिकल कटर की हेल्प से आप जो है क्यूटिकल कट कर लेंगे। ठीक है, क्यूटिकल कट करने के बाद गाइज आपको, तो गाइज आपने क्यूटिकल कट कर ली है। क्यूटिकल कट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, तो सो देट आपने क्यूटिकल कट करने के बाद आपको अब जो है इसको रफेज लुक देनी है, ताकि आपकी जो टिप है वो ईजिली पेस्ट हो पाए। जो हमने फ्रीज कट करा है उसके बाद हम नेल प्लेट को एक सॉफ्ट एजेस लुक देंगे, ताकि अच्छे से नेल टिप पेस्टिंग हो। तो गाइस अब हम लोग जो है नेल टिप को पेस्ट करेंगे। तो आप सभी को पता है हमारे पास रिपीट नंबर्स ऑफ नेल टिप्स होती हैं, तो हम अपनी नेल प्लेट के अकॉर्डिंग जो है टिप का हम चूज करेंगे। तो हम लोग चूज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, मुझे पता है इस पर 4 नंबर या 3 नंबर एप्लीकेशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 नंबर अप्लाई करके देख रही हूँ कि इसके अंदर की, आप सभी को दिखा देती हूँ मैं कौन सी वाली टिप जो है ये पेस्ट करने जा रही हूँ। तो गाइज आप सभी को दिख रहा है ये हमारी नेल टिप, ये ट्रांसपेरेंट नेल टिप है। तो इसको हम लोग कैसे पेस्ट करेंगे वो बता रही हूँ। यस दिस इज एक्यूरेट। तो गाइज आप सभी को, आप सभी देखेंगे कि इसके अंदर एक लाइन दिख रही होगी आपको, हाफ, तो हाफ मून की तरह आप सभी को इसके अंदर एक लाइन विजिबल हो रही है। तो इस लाइन के ऊपर ऊपर जो ये एरिया है इस पे हम लोग जो है ग्लू अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, अब हम आप सभी को देख रहे हैं कि अगर हम इसको हम पेस्ट करने जा रहे हैं तो इसको पेस्ट बहुत केयरफुली करना है, ताकि इसके अंदर एक भी बबल्स नहीं दिखाई देना चाहिए। आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसके अंदर एक भी बबल नहीं है, नथिंग एल्स। तो ऐसे देखिए आप सभी को दिख रहा है ये हमारी जो टिप है वो पेस्ट हो चुकी है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका जो पेस्टिंग है वो स्ट्रांग हो जाए। तो गाइस आप सभी को दिख रहा है ये जो हमारी ट्रांसपेरेंट टिप है, इस पे हम बहुत सारे ऑसम इसके अंदर एसेसरीज आती हैं जो ट्रांसपेरेंट टिप पे ही बहुत कूल लुक देती है। तो आगे आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन सी एसेसरीज हैं जो ट्रांसपेरेंट पे बहुत कूल लुक देती है और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है ट्रांसपेरेंट पे। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट जो है इसका हम लोग वही काम करेंगे। इसका क्यूटिकल हम लोग पुश कर दिया है। क्यूटिकल पुश करने के बाद आप लोग इसका क्यूटिकल कट करेंगे। सभी क्यूटिकल है नहीं तो मुझे कट करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको जो है फाइलर से एक रफेज लुक देंगे और साथ ही हम इसका टिप जो है वो कट कर देंगे नेल कटर की हेल्प से। तो नेल कटर की हेल्प से हम जो है नेल कट करेंगे। तो इसका
तो गाइज हमने नेल कट कर दिया है, तो अब हम जो है इसमें क्या करेंगे, आप सभी को पता है इसको हम एक जो है स्मूथ लुक देंगे, ताकि इसकी हम जो टिप चिपकाएंगे इसके ऊपर वो ईजी चिपक सके, और हम इसके साइड्स जो हैं वो राउंड अप कर देंगे, कोने चुभे ना, तब जब आपकी ग्रोथ बढ़ेगी तो कोने चुभेंगे नहीं। तो गाइस मैं अब जो आपको टिप बताने वाली हूँ वो बता रही हूँ टो के लिए, कि आप टो पे कैसे लगाएंगे। एज्यूम दैट कि आप लोगों का जो है आपका थम है आपका टो का, ठीक है, अंगूठा है, तो आप इस अंगूठे पे जब आप अपनी टिप को पेस्टिंग करेंगे, तो गाइस इसको पेस्टिंग करने के लिए आपको टिप जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो हमारी टो में यूज होती हैं। गाइस जो हमारे टो में टिप यूज़ होती हैं वो इस टाइप के टिप यूज़ होती हैं, इसको यहाँ नीचे से पकड़ने के लिए होता है, और ये छोटी होती हैं क्योंकि टो में मोस्टली जो है ज़्यादा लंबी नेल्स तो अच्छे प्रेफर नहीं रखते हैं लोग, जितना लंबा इसको चाहिए होता है उतने लंबी भी हम लोग इसको पेस्टिंग कर लेते हैं। मीन्स जैसे कि आप लोगों की ये थम है, अगर जिसने फिंगर्स जो है उसकी नेल प्लेट बहुत छोटी है, वो चाहते हैं थोड़ा लिटिल बिट आपको लंबा करना है, तो हम उसी हिसाब से जो है इसके इतने आगे से चिपकाकर उसको हम लोग एक लंबाई दे सकते हैं। इसमें जो है पूरा ग्लू लगता है, इसलिए जो है इसको पकड़ने के लिए इन्होंने ये होल्डिंग एक आपको एक दिया है, जिसकी वजह से आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं टिप को, और आपके हाथ चिपकेंगे भी नहीं इसके अंदर। तो ये हमारी टिप बिल्कुल एक्यूरेट बैटरी है। तो अगर हमें जैसे इसको इतना लंबा करना है, और कुछ कहते नहीं हमें जरा सा ही लंबा चाहिए लिटिल बैटरी, तो हम उसको पूरा का पूरा ऐसे पेस्टिंग कर देंगे अपनी फिंगर पे। तो आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो है हम इस पर हाफ में ग्लू लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें जो अपना नेल लंबा चाहिए टो का, तो इसलिए हम इसको हाफ पे ही ग्लू लगाएंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो इसे होल्ड करेंगे और आराम से आपका पेस्टिंग देखिए गाइस कि जो हमारा पेस्ट हो चुका है हमारा टो के लिए। अब जब आप इसको कट करेंगे यहाँ से, ये जो हमारा नेल कटर होता है टिप कटर, इसके हेल्प से हम जो है इसके टिप को यहाँ से कट कर देंगे और इसको फिर शेप अप कर देंगे। शेप अप कैसे करना, मैंने आपको शेप्स बताई थी गाइस कि कैसे क्या करनी होगी। अगर आपने नहीं देखी है उस वीडियो को, तो आप जो है शेप का जो वीडियोस हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है आप लोगों के साथ, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे आप लोगों को शेप करनी है। तो आई होप गाइज आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे टिप्स लगानी है, टो की टिप कैसे लगानी है, फिंगर की टिप्स कैसे लगानी है। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइज आप सभी को पता है कि जैसे कि हम लोग डे बाई डे आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करें, मैंने आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो है अपनी PPT के द्वारा आप लोगों को बता दी है, और आप लोग चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे से सीखना, तो जो मैं आप लोगों को वीडियो में सिखाती हूँ आप लोगों को बताती हूँ, प्लीज़ वो प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोग की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना उतना आपका स्पीड भी बनेगा और उतना ही परफेक्शन आता है। तो गाइस प्रैक्टिस जो है करते रहिएगा, कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों के लिए मैं उस पर जो है फिर वीडियो बना के आप लोगों को अच्छे से उसके अंदर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर सकूँ और आप लोगों के लिए हो जाए ईजी। तो मैं चाहती कि जो ये स्किल है ना आप सभी के लिए बहुत इजी तरीके से और इजी तरीके से आप लोग सीख सकें। फिर भी आप लोग कोई डिफ़िकल्टी आती है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करती हूँ आप सभी को। तो गाइस चलिए चलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को मिलूँगी, आप कुछ नया बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भूलना मत, और नोटिफिकेशन को जरूर जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को इस तरह से वीडियो देखते देखते एक बहुत अच्छे स्किल के नॉलेज हो जाए और आप बेटर बन पाए, बेटर बेटर बेटर। बाय बाय गाइस।